हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफ इज फिल्मी। ये डरावनी हिंदी फिल्मों की लिस्ट का 9th पार्ट है। 8th पार्ट में मैंने आपको 1990 में आई फिल्म बंद दरवाजा से लेकर 1991 में आई फिल्म खूनी पंजा तक बताया था। इस लिस्ट में अब हम आगे बढ़ते हैं। 1991 में आई थी फिल्म खतरा। फिल्म में डॉक्टर वर्मा एक ऐसा केमिकल बनाता है जिससे इंसान के मरे हुए सेल्स जी उठते हैं। इसी केमिकल से वो जैक्सन की लाश को जिंदा कर देता है, मगर उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती। वो देख देख के समझता है। धीरे धीरे वो एक शैतान बन जाता है और लोगों का खून करने लगता है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप गई थी। बहुत से लोगों को तो इस फिल्म के बारे में मालूम ही नहीं है। फिल्म का डायरेक्शन एचएन सिंह ने किया है। म्यूजिक आदेश श्रीवास्तव ने दिया है। गाने अनुराधा पौडवाल, विश्वजीत, कविता कृष्णमूर्ति और अलका याग्निक ने गाए हैं। फिल्म में सुमित सहगल, एकता, राजेश विवेक, रजा मुराद, हुमा खान, गोगा कपूर और मानिक ईरानी हैं। '91 में ही आई थी फिल्म रूहानी ताकत। फिल्म में 20 साल पहले बब्बूगढ़ गांव के लोग भैरवनाथ तांत्रिक के पास अपने दुश्मन के खात्मे के लिए जाते हैं और वह एक शैतान को भेज के उनके दुश्मन को मार देता है। शेरू बिमला को पाना चाहता है, लेकिन बिमला शमशेर से शादी कर लेती है। शेरू भैरवनाथ तांत्रिक से शमशेर को मारने के लिए कहता है। तांत्रिक शैतान को भेज के शमशेर को मार देता है, तो बिमला अपने पति का बदला लेने के लिए तंत्र मंत्र सीखती है और 20 साल बाद उसमें माहिर हो जाती है। कुछ शहरी लड़के लड़कियां उस गांव में आते हैं जिनकी वजह से शैतान जिंदा हो जाता है और बिमला को उसका बदला लेने का मौका मिल जाता है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फ्लॉप गई थी। फिल्म का डायरेक्शन मोहन भाकरी ने किया है। म्यूजिक नरेश शर्मा ने दिया है। गाने आशा भोसले, कविता कृष्णमूर्ति, शब्बीर कुमार, गुरदास मान, विनय मंडके और अर्पना मायकर ने गाए हैं। फिल्म में गुरदास मान, श्रीप्रदा, जावेद खान, नीलम मेहरा, किरण कुमार, जगदीप, शगुफ्ता अली, मधु मल्होत्रा, राणा जंग बहादुर और शहजाद खान है। '91 में ही आई थी फिल्म हाउस नंबर 13। फिल्म में एक फैमिली अपने पुश्तैनी आलिशान बंगले में रहने आती है। वहां आते ही उनके साथ कुछ डरावनी बातें होने लगती हैं। एक शैतानी आत्मा उस बंगले में रहती है जो एक एक करके सबका खून करने लगती है। अक्सर हिंदी डरावनी फिल्में बहुत प्रेडिक्टेबल होती हैं, लेकिन ये फिल्म उन सबसे अलग है। फिल्म के डरावने सीन भी बिल्कुल अलग हैं। ये फिल्म 1990 में आई एक तमिल फिल्म पाथीमोनम नंबर वीडू की रीमेक है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फ्लॉप गई थी। फिल्म का डायरेक्शन बेबी ने किया है। म्यूजिक ई डैनियल ने दिया है। फिल्म में 4 गाने हैं जो कविता कृष्णमूर्ति, अनुराधा पौडवाल और विनोद राठौड़ ने गाए हैं। फिल्म में अनिल धवन, रीता भादुड़ी, सलीम फतेह, लीना नायर और शरद सक्सेना है। '91 में ही आई थी फिल्म प्यार का साया। फिल्म में अविनाश और पूजा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और जल्द ही मंदिर में अपने नौकर की गवाही में शादी कर लेते हैं, लेकिन एक आदमी अविनाश को रोड पर मार देता है। अविनाश की आत्मा अपनी पत्नी को उसकी लाश पर रोते हुए देखकर बेचैन हो जाती है और भगवान के पास जाने को मना कर देती है। भूतों से बातें करने वाली एक औरत माया उसे सुन सकती है, तो अविनाश उसकी मदद से अपनी पत्नी को उसके कातिलों से बचाता है। ये 1990 में आई एक इंग्लिश फिल्म घोस्ट की रीमेक है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फ्लॉप गई थी। फिल्म का डायरेक्शन विनोद वर्मा ने किया है। म्यूजिक नदीम श्रवण ने दिया है। गाने कुमार शानू, आशा भोसले, अलीशा चिनॉय और विजय बेनेडिक्ट ने गाए हैं। फिल्म में राहुल रॉय, अमृता सिंह, शिवा, मोनिज बहल, अवतार गिल और ब्रिज गोपाल हैं। Please! Please! Oh, no! My baby! My baby!
राजा। नहीं, कोई तो सुनो। 1992 में आई थी फिल्म जुनून। फिल्म में विक्रम और अरुण शिकार पर जाते हैं। वहां उन पर एक शापित शेर हमला करता है। कई साल पहले एक राजा शेरनी के श्राप से एक शेर बन जाता है। यही शेर अरुण को मार देता है और विक्रम को घायल कर देता है। विक्रम हॉस्पिटल में मर जाता है, लेकिन शेर की आत्मा उसमें आ जाती है और वह जी उठता है। अब विक्रम हर पूर्णिमा की रात को शेर बन जाता है और लोगों को खाता है। इस फिल्म का उस साल लोगों को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि यह बिल्कुल अलग टॉपिक पर बनी थी। यह 1981 में आई एक फिल्म एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन की रीमेक है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म एवरेज रही थी। फिल्म का डायरेक्शन महेश भट्ट ने किया है। म्यूजिक नदीम श्रवण ने दिया है। गाने SP बाला सुब्रमण्यम, अनुराधा पौडवाल, विपिन सचदेवा, कुमार शानू और कविता पौडवाल ने गाए हैं। फिल्म में राहुल रॉय, पूजा भट्ट, अविनाश वाधवन, टॉम अल्टर, अवतार गिल और मुश्ताक खान है। में ही आई थी फिल्म रात। फिल्म में एक नए घर में शिफ्ट होने के बाद पूरी फैमिली के साथ अजीब डरावनी घटनाएं होने लगती हैं। उस घर में एक शैतानी आत्मा रहती है जो मिनी के शरीर में आकर सबका खून करने लगती है। फिल्म हिंदी और तेलुगु में एक साथ शूट और रिलीज की गई थी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म एवरेज रही थी। फिल्म का डायरेक्शन रामगोपाल वर्मा ने किया है। यह रामगोपाल वर्मा की पहली डरावनी फिल्म है। फिल्म में कोई गाना नहीं है। बैकग्राउंड म्यूजिक मनीष शर्मा ने दिया है। फिल्म में रेवती, चीना, रोहिणी हटंगड़ी, आकाश खुराना, ओमपुरी और अनंत नाग हैं। में ही आई थी फिल्म सूर्यवंशी। फिल्म में पुरातत्व लोगों को संग्रामगढ़ में जमीन में दबा हुआ एक महल मिलता है, जिसमें राजकुमारी सूर्यलेखा की आत्मा सूर्यवंशी विक्रम सिंह के लिए भटकती है। सोनिया का पति विकी विक्रम सिंह का पुनर्जन्म है। सूर्यलेखा विक्रम सिंह को पाने के लिए सबको परेशान करती है और लोगों को मारने लगती है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म एवरेज रही थी। फिल्म का डायरेक्शन राकेश कुमार ने किया है। म्यूजिक आनंद मिलिंद ने दिया है। गाने आशा भोसले, कुमार शानू, कविता कृष्णमूर्ति, अमित कुमार, उदित नारायण और मंगल सिंह ने गाए हैं। फिल्म में सलमान खान, शिबा, अमृता सिंह, सुषमा सेठ, अजीत वाचानी, सईद जाफरी, पुनीत इस्सर, शक्ति कपूर और कादर खान है। संग्रामगढ़ की बर्बादी का कारण एक भटकती हुई आत्मा है, और वो आत्मा है राजकुमारी सूर्यलेखा की। 1992 में ही आई थी फिल्म इंसान बना शैतान। फिल्म में आनंद बिजनेस ट्रिप से अपनी पत्नी शीला को सरप्राइज देने के लिए अचानक रात में वापस आता है, तो देखता है कि उसकी बीवी उसके लवर के साथ सो रही है। वो गुस्से में उन दोनों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों आनंद को ही मार के जमीन में गाड़ देते हैं। वो दोनों आनंद की दौलत लेकर भागने वाले ही होते हैं, लेकिन आनंद का भूत उन दोनों को मार देता है। तभी से आनंद का भूत उन सभी औरतों और उनके लवर को मारने लगता है जो अपने पति को धोखा दे रही होती हैं। फिल्म का डायरेक्शन मोहन भाकरी ने किया है। म्यूजिक नरेश शर्मा ने दिया है। गाने सुदेश भोसले और अलका याग्निक ने गाए हैं। फिल्म में अनिल धवन, जावेद खान, दीपक पराशर, श्री प्रदा, शगुफ्ता अली, जगदीप, तेज सपरू और नीलम मेहरा है। '93 आई फिल्म जख्मी रूह में सीमा और रीमा सौतेली हमशक्ल बहनें होती हैं। रीमा की मां को उसके पिता जुगल किशोर घर से बाहर निकाल देते हैं जब रीमा पैदा होने वाली होती है।
रीमा इस बात का अपने पिता से बदला लेना चाहती है। शिखर और सीमा एक दूसरे से प्यार करते हैं। बदले की वजह से रीमा सीमा से उसका प्यार शिखर छीनना चाहती है, लेकिन रीमा को चेंगो और उसके साथी रेप करके मार देते हैं, तो उसकी आत्मा अपनी मौत का बदला लेने आती है। फिल्म का डायरेक्शन पवन कुमार ने किया है, म्यूजिक नंदी दुग्गल ने दिया है, गाने आशा भोसले, अभिजीत, कविता कृष्णमूर्ति, अमित कुमार, दिलराज कौर, डैनियल और नंदी दुग्गल ने गाए हैं। फिल्म में मुनमुन सेन, जावेद जाफरी, राज किरण, कमल कपूर, सीमा वाज, शिवा रिंदानी और मैकमोहन है। ये क्या किया तुमने? हमें इसकी लाश को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा। ये डरावनी हिंदी फिल्मों की लिस्ट का 9th पार्ट है। 10th पार्ट के लिए बने रहें हमारे इस चैनल लाइफ इज फिल्मी के साथ। बाय एंड टेक केयर। हमारा चैनल लाइफ इज फिल्मी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।